الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب دعوة الوسي للميت قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاس اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمتي زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمتي زمعة فأقبضه فإنه ابني وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمتي أبي ولد على فراش أبي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة

तो जिसको वसीयत किया गया है वो उसके हक़ के लिए दावा कर सकता है यह इमाम बुखारी रहा जो है इस बाब को कायम करके यही बयान करना चाहते हैं कि मैत का वसी मत का वसी मत ने मौत से पहले अगर किसी को वसीयत कर दिया है तो मैत की जानिब से वो जिसको वसीयत किया गया है उसकी तरफ़ से वो उसके हक़ के लिए दावा कर सकता है हदीस इसके तहत इमाम बुखारी रहमल लाए हैं <coughs> और इमाम बुखारी रम्ला गोया कि ये बाब क़ायम करके ये बताना चाहते हैं ये इस तरफ इशारा किया है कि इस मसले में इजमा है इस मसले में इजमा है कोई इख्तलाफ़ नहीं है कि अगर मैत ने किसी को वसीयत किया है तो वो जिसको वसीयत किया गया है वो वसी शख्स उसके हक़ के लिए दावा कर सकता है जैसा कि इस हदीस में इमाम बखार ने इस हदीस से इस्ते किया है كهتي إمام حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان يعني سفيان بن عيينة عن الزهري زهري يعني محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص مشايخ هذا قبل غور سيسونه تب أنا أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص तो और ये साद बिन नबी वक्स जो है ये उतबा बिन अबी वक्ा के भाई हैं मशहूर सहाबी हैं कौन साद बिन नबी इनके भाई कौन थे एक उतबा बिन अभी वक्स तो भले जान लिया आपने कि साद के भाई कौन है? उत्बा हैं उतबा हैं उतबा बिन अबी वक्स तो अब्द बिन जमा और साद बिन अबी वक्ा ये नबी करीम वसल्लम के पास अपना झगड़ा लेकर के आए किस सिलसिले में फ़िबन अमती ज़मा जमा की बादी यानी लौडी के बेटे के सिलसिले में ज़मा यानी साद बिन अबी अक्का हैं और एक एक तरफ उनके साद बिन सहाबी हैं और ज़मा के लड़के आब्द ये नाम है आब्द ठीक है मशाइ आब्द ये नाम है जमा के लड़के का नाम आब्द है यहाँ पर आब्द बिन जमा और ये सहाबी हैं आब्द बिन जमा आब्द बिन जमा और सात बिन अबी वक्स ये दोनों अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम) के पास झगड़ा लेकर के आया किस साल कब का है ये फ़तेह मक् के साल यानी फतह मक्का के मौके से ये दोनों अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम) के पास झगड़ा लेकर के आया झगड़ा किस सिलसिले में था फिबिन आमति ज़म आता ज़मा की एक लौडी थी बाँधी थी उससे एक लड़का पैदा हुआ था उसी लड़के के सिलसिले में झगड़ा था फ़काल सदन तो सदबिन नबी अक़ा ने कहा यार रसूल आऊसानी अखी मेरे भाई ने मुझे वसीयत की थी किस भाई ने उत्बा बिन, उत्बा ने बिनबा नेतबा नबी बिन वक्स ने तो रतबा बिन नबी अक्स ने मुझसे वसीयत की थी मुझे इदा कदम तो अनजूरा बना आमती जमात इसको दो तरह से पढ़ा गयादम था यानी वसीयत की थी जब तुम आना कहाँ आना मक्का तो ये तुम देखना उन जो पढ़ा जाएगा उस वक्त और अगर इस तरह पढ़ेंगे यानी इज़ा क़दीम तो कि मैं जब आऊँ मक्का तो मैं देखूँ जमाँ की लौड़ी के बेटे को देखूँ और इस जो ये लड़का था इबनोमति अमती जमा की लौड़ी बाँधी का जो लड़का था जो बेटा था उसका नाम अब्दुलरहमान था ये सहाबी हैं अब्दुलरहमान ये सहाबी हैं तो कहते हैं कि मेरे भाई रुतबा ने और ये रतबा के बारे में इख्तलाफ है कि इनके इस्लाम के तलक़ से कि ये इस्लाम लाए थे या नहीं थे अम का इसमें इख्तलाफ है तो कहते हैं कि मेरे भाई रतबा ने मुझे वसीयत की थी कि जब मैं मक्का आऊँ तो जमा की जो लौडी है उसका जो बेटा है उस बेटे को देखूँ फ़िर तो मैं उसको ले लूँ फ़अब पढ़ेंगे अगर इसको मनसूब पढ़ेंगे फ़क् ठीक है दो तरफ फ़िर रहू और तो पढ़ेंगे हो ठीक है <coughs> तो तुम उसको अपने पास रख लो अपनी परवरिश में ले लेना तुम उसको फकबिद हो तुम उसको तुम अपनी परवरिश में ले लेना इब्नी क्योंकि वो मेरा बेटा है किसने कहा ये मेरा बेटा है ये रुतबा ने कहा, कहा। बिन उकास ने कहा कि वो मेरा बेटा है यानी गोया की लौडी किसकी थी जमा की थी लौड़ी जमा की थी लेकिन वो लड़का किसका था रतबा का था गोया की जना की वजह से ठीक है यानी उस लौड़ी के साथ रतबा ने जना किया तो यानी उसको हमल हुआ और उससे जो बेटा पैदा होगा तो किसका होगा वो रतबा का होगा इसीलिए कहा कहा कि जमा जमा की जो लौडी है उससे जो लड़का पैदा हुआ, हुआ हुआ है वो लड़का मेरा है तुम उसको अपनी परवरिश में ले लेना वक़ाल अब्द बबन जमा और ये इधर अब ये तो दावा किया किसने वसी जो वसी थे कौन रुतबा ने दावा किया और इधर अब्द बिन जमा ज़मा के बेटे थे कौन अब्द इन्होंने दावा किया अख़ी वबन अमती अबी कि अल्लाह के रसूल व मेरा भाई है और मेरे वालद की लौडी का बेटा है मेरे वालद की लौंडी का बेटा है तो क्या हुआ कौन हुआ उनका भाई ही तो हुआ भाई हुआ उलिद अला फिराश अभी और ये मेरे वालिद के बिस्तर पे पैदा हुआ है यहाँ पर क्या है यानी क्योंकि लौंडी मेरे वालिद के मातहत थी ठीक है साहेब फिराश मेरे वालिद थे तो और लौंडी जो मेरे वालिद के मातहत थी उनकी लौंडी थी तो उन्हीं तो का लड़का होगा फ़रअन नबी सब बीनन तो अल्लाह के रसूल वसल्लम ने उस बच्चे को उस तो लड़के को देखा तो आपने देखा कि वाजह तौर पर यानी मुशाहत देखी व था उतबा बिना से बिन बिना से वह वा बिल्कुल वाजह तौर पर वह उसके मुशाबे है हैं फ़क़ाला का या अब्दुबिन ज़मह यानी ने जब देखा तो, तो फ़रमाया फैसला किया कि आपने तो हु का तो या अब्दबन ज़म आए अब्दुबिन ज़म आ ये तुम्हारा है यानी तुम तुम तुम्हारा इसकी परवरिश करो अलवल अलवलदुलफ़राश ये आपका फ़ैसला था यानी कि लिल फिराश यानी साहिब लिल फिराश जो साहिब फिराश है जिसके मातहत औरत है ठीक है लौंडी है या कोई औरत है जिसके मातहत है और जिसके घर लड़का पैदा हो जिसकी मातहती में उसी का वो लड़का होगा ठीक है, है।, दौसी है, दौसी है, दौसी है वलिल अल-हजर अलजर हदीस में दूसरी हदीस है अलदुलफ़राश वलिल अल हजर और जो आहिर यानी जानी है उसके लिए क्या है पत्थर है पत्थर है दो माना इसका हो सकता है एक तो उसके उसके लिए क्या है रजम है अगर साबित हो जाए और दूसरा ये कि उसके लिए कुछ नहीं है यानी उसके हिस्से में क्या आएगा पत्थर आएगा वह तजबी मिन हो या सऊदा तो और आपने फरमाया कि इस बच्चे से जो लड़का है अय सौदा सौदा कौन है ये अल्लाह के रसूल की बीवी है आपने अपनी बीवी सौदा से कहा सौदा तुम इस बच्चे से पर्दा करो क्या वजह थी यहां पर्दा करने के लिए क्या क्यों आपने हुक्म दिया हाँ हाँ मचा अच्छा, किसी को कुछ समझ में आया नहीं पहले देखिए या तो यहां अल्लाह रसूल ने फैसला क्या किया आपने जो फैसला किया जाहिर को देख करके ठीक है जाहिर क्या है आपका हुक्म है अलवलद्फ़राश नसाबिल्फराश नसाबिलफराश साहिब फ़राश के लिए का लड़का होगा जिसके यहाँ लड़का पैदा हुआ जिसकी मातहती में बीवी है या औरत है या लौडी है उसी का लड़का होगा ये शरीयत का कानून का है इस लिहाज से आपने यही फ़ैसला किया अब उसके साथ किसी ने जना किया है या किसका है ये ये बात भी है ठीक है लेकिन एक और फैसला आपने यहां पर किया बातिन को देखते हुए क्या था वो आपने देखा कि ये लड़का जो है उतबा के बिल्कुल मुशाबे है उतबा की शक्ल का है तो यहां पर आपने फैसला ये फैसला किया दूसरा क्या हुक्म दिया सौदा को कि सौदा तुम इस बच्चे से तुम पर्दा करना तो सौदा के क्या ताल्लुक है यहां पर आपने उन्हें क्यों हुक्म दिया कि तुम इस बच्चे से पर्दा करना यानी इस लड़के से पर्दा करना माले ही हो जाए या बालिग ही रहा हो हाँ। कुछ समझ में आया मैं शायख सौदा कौन है सौदा क्या नाम है उनका पूरा सौदा बिनते जमा समझ में आया कुछ अब हाँ तो क्यों आपने मना फरमाया क्योंकि जमा की बेटी है ना सौदा जमा की बेटी है और ये लड़का जो जमा की लौड़ी से पैदा हुआ है तो वो या कि सौदा का भाई हुआ ठीक है तो चूंकि यानी आपने जाहिर को देखते हुए जो फैसला किया दलील की बुनियाद यानी जो वहां पर आपने जो देखा वो ये कि अलवलफ़राश जिसके यहाँ लड़का पैदा हुआ है साहिब फराश ही का लड़का होगा ठीक है इस लिहाज से आपने फ़ैसला किया लेकिन चूंकि आपने देखा कि ये लड़का जो है रतबा के बिल्कुल मुशाबे है तो इधर ये भी शुह है तो इस एहतियातन आपने एहतियातन हुक्म दिया कि सौदा तुम इससे पर्दा करना इसको अपना भाई मत समझना ठीक है नहीं क्योंकि अगर भाई है बिल्कुल हकीकी भाई है तो फिर कोई पर्दा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो महरम में से है और अगर यहाँ पर चूंकि शुभा यह था कि चूंकि मुशाहबत बिल्कुल उतबा से थी इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम ने कहा कि तुम इससे पर्दा करना ठीक है मशाइ तो देखिए यहाँ पर यानी तर्जमा या हदीस का बिल्कुल वाजह है आप लोगों के लिए तो आपने पहले यहाँ पर दो हुक्म फरमाया है दो फैसला किया एक तो जाहिर तोाहिर जाहिर को देखते हुए आपने फैसला किया ठीक है और ये बिल्कुल यहाँ पर यानी जो मसला है कि अगर किसी की बीवी है दूसरी की बीवी है या लौंडी है अगर उसके साथ किसी ने जना किया तो लड़का किसका होगा तो शरीयत का फैसला है कि साहिब का लड़का होगा जिसके यहाँ जिसके मातहती लड़का पैदा हुआ है लेकिन यहाँ पर अल्लाह बातिन को भी देखते हुए यानी बातिन को भी देखते हुए फ़ैसला किया कि चूँकि वो लड़का बिल्कुल उस आदमी की मुशावे था तो अल्लाह के रसूल सल्लासम ने मना किया यहाँ पर कि इस को कि तुमसे पर्दा करना और हजबाप का जो ताल्लुक है हदीस की जो मुनासिबत है बाब से वो किस तरह से है हाँ उतवा बिन अभी अका से मुशा थे उतबा बिन अभी अकाद से लौड़ी जमा की थी अगर जमात से मु... नहीं ज... मैंने जमा कह दिया है उतबा से बिल्कुल मुशावे जमा की तो लौड़ी तो जमा की मुशा होना ही चाहिए था ठीक है उतबा के मुशावे लड़का था अगर मैंने कह दिया तो यानी सबक़त लसानिया जो भी समझ लें तो रतबा के मुशाबे था वो लड़का इस वजह से अल्लाह के रसूल वसलम ने मना फरमाया उनको यानी उनको कहा कि पर्दा करो उनसे ठीक है मशाइ बाब से इस हदीस का जो ताल्लुक या दोनों के दरमियान जो मुनासिबत है वो ये कि जमा ने अपने भाई औरतबा को या क्या नाम है रतबा ने अपने भाई साध को वसीयत की थी कि तुम मक्का जाना और अगर उस लड़के को देखना वो लड़का तुम्हें मिले तो फिर तुम उसको अपने परवरिश में कर लेना क्योंकि वो मेरा लड़का और यहाँ पर उन्होंने अल्लाह के रसूल रसूल के सामने दावा किया तो अल्लाह के रसूल ने वहाँ पर उनको मना नहीं किया कि तुम ये दावा नहीं कर सकते हो ठीक है मशाइ तो इससे मालूम हुआ कि अगर मैत ने किसी को वसीयत की है तो वो वसीयत जिसको किया गया है वो शख्स मैत के हक़ के लिए दावा कर सकता है और उसका दावा करना सही है अब वहां पर दावा करेगा उस दलाइल के जरिए से अगर उसका हक हाँ साबित हो जाए तो फिर वह हक हाँ उसको मिलेगा उसके बाद इमाम बखार फरमाते हैं बाब तवस्सुकी मिमन तुख् मारत हु के माने बांधना मिमन तुक्शा मर्रत हु के माने फसाद बिगड़ना बर्बाद होना तो माना क्या होगा इसका बाब का बाब तवस्सुकी मिम्मन तुख्शा तुख्सा मारत हो कि अगर किसी के बिगड़ने या उसकी जानिब से शरारत का डर हो तो उसको बांधने का बयान यानी उसको बांधना दुरुस्त है अगर किसी शख़्स के मसलन किसी या कोई तालब इल्म है या कोई भी शख़्स है उसके बिगड़ जाने का या बर्बाद हो जाने का खदशा है खौफ है डर है तो फिर उसको कैद कर देना उसको बांध देना ये दुरुस्त है जायज़ है बाब का मतलब उसके बाद इमाम बुखारी रहा इस बाब के जो मसला है उसकी तइद के लिए अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह का असर यहाँ पर नकल किया है कहते हैं वकीदा इबन इक्रमा इक्रमा ये इक्रमा मौलाबिन अब्बास अब्दुल्ल बिन अब्बास के ग़ुलाम थे अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अपने गुलाम इक्रमा को कुरान की तालीम के लिए कुरान सिखाने के लिए इसी तरह से सुनतों नबी सुन, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और फ़राइज़ वग़ैरह सिखाने के लिए उनको कैद कर दिया था ये भागते थे तालीम से या पढ़ने से या दूर भागते थे तो क्या कर दिया था इनको क़ैद कर दिया था बांध के रखा था ताकि ये भाग ना सकें तो इससे मसले की तायद होती है कि अगर कोई किसी के यानी बिगड़ जाने का उसके फसाद का या उसके बर्बाद होने का ख़दशा खौफ हो तो उसको बांधना जायज़ है या उसकी जानिब से शरारत का डर हो शरारत किसी किस्म का नहीं वो नुकसान पहुंचा सकता है या खुद उसक, उसका उसमें नुकसान है उस तो उसकी जानिब से शरारत का या बिगाड़ का डर हो तो उसको बांधना कैद करना जायज़ है उसके बाद इमाम बुखार रमल हदीस बयान करते हैं कला हदसन बतू कला हदसन अलसुनसबिन अबी सई दिन अन्हु अबाई रत यक़ूल सल्लल्लाहु अलैहि सल वसल्लम सल्लास ख़ैबला नजदिन अल्लाह के रसूल ख़ैल कहते हैं खैल किसे कहते हैं खैल तो घोड़ों घोड़ों के यानी जमात को कहा जाता है खैल लेकिन यहाँ पर मुराद घुड़सवार मुराद यहाँ पर घोड़ासवारों की जमात को कहा जाता है घोड़सवारों की जमात यानी सवारों का एक लश्कर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की जहत में एक लश्कर यानि घोड़सवारों का सवारों का एक लश्कर आपने भेजा फ़जाअत बराजुल मम बनी हनीफता तो ये जो लश्कर था घोड़सवारों का ये लोग एक बनू हनीफा के एक आदमी को लेकर के यानि पकड़ के लाए युकू له तुब्न ओसालन जिसको सोमाम बिन उसाल कहा जाता है कैसे पढ़ा जाएगा मैं शाह इसको सुमामा बिन उसाल। असाल या उसाल नहीं पढ़ेंगे बल्कि कैसे पढ़ेंगे सोमामुबन उसालिन जिनको जिनका नाम था सोमामा बिन उसाल सयद अहल यमामा यमामा वालों के सरदार थे बादशाह थे वहाँ के हाकिम अहल यमामा के सरदार फराबत बिसन बिन सवार मस्जिद सहाब कराम ने उनको मस्जिद के खम्बों में से खम्बे में बाँध दिया

यानी खैर है मेरे पास मैं ठीक हूँ फ़िकरदीस बि तमामी यानी उसके बाद रावी ने हदीस को पूरा बयान किया फ़काला अकलीक़ु सुमामता यानी यहाँ पर इमाम बुखार रहमला इस हदीस को मुख्तरा बयान किया है यानी अल्लाह के र... अल्लाह के रसूल के हकम से साहब कराम ने उनको मस्जिद के खम्बे में बाध दिया उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लम रोज़ाना सुबह में आते थे पूछते थे कि शुमामा क्या हाल है ख़ैरियत पूछते तो उनका क्या जवाब होता था इन तुन इम तुन इम इन तख्तुलत्तुलजाद अमिन व इन तुन इम तुनईम अला शाकिन इनका जवाब होता था कि अगर आप कत्ल करेंगे तो एक खून वाले को कत्ल करेंगे यानी मेरा खून जो है रायहा नहीं जाएगा बल्कि मेरा बदला लेने वाले बहुत से लोग हैं मेरा बदला लिया जाएगा इन तख्तुलतिन व इन तुन इम और अगर आप मेरे साथ एहसान करेंगे छोड़ देंगे तुन इम अला शाकिन तो एक एहसान करने वाले यानी एहसान का बदला देने वाले या एहसान मानने वाले पर आप एहसान करेंगे यानी आपके एहसान का बदला आपको दिया जाएगा इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन दिन तक आपने इस तरह से पूछा और लेकिन जब आपने देखा कि अब इनके अंदर थोड़ी सी नरमी आ रही है पहले कहा था इन तख्तुल तख्तुल्दादमिन व इन तुन इम तुन इम अला शाहकिन जैसे कि सहीब खरी की दूसरी रवायत में है और आखिरी दिन बाद में उन्होंने कहा इन तुन इम तुन इम अला शाहकिन ठीक है इन तुन इम तो उन्हें على शाक ने वही वही उसी को यहाँ पर अख्तसार से बयान किया अमा बखार ने आपने जब पूछा माँ इंद का या शुमामा काला इंद या मोहम्मद ख़ैर तो आप अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुमामा को आज़ाद कर दो और जैसा कि जानते हैं उसके बाद ये मदीना के बागीचे में गए और वहाँ से गसल करकेला के रसूल वसलम के पास आए और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो इस हदीस का बाब से क्या तल्लु है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा को क्यों बांध दिया था मस्जिद में हाँ तो बांधने का मकसद यही था हाँ बांधने का मकसद यही था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद में बांध दिया ताकि इस तरह करीब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे सहाब कराम के अख्लाक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख्लाक को और इसी तरह से जो दीन है दीन इस्लाम उसको अच्छी तरह से इनको समझने का कुरान को सुनने का मौका मिलेगा तो हो सकता है इस तरह से इनके अंदर सुधार आ जाए जो अभी नफ़रत है इस्लाम से ठीक है और मुसलमानों से इनके दिलों में दिल में जो नफरत भरी हुई है वो नफरत क्या है ख़त्म हो जाए और यही हुआ कि उसके बाद वो इस्लाम कबूल कर ले तो इसी से इमाम बखार रहा पर इस्तेमाल किया इस हदीस से बाब का यही ताल्लुक है और इसी तरह से अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह के यहाँ असर नकल करके इवम बुखारमला यही कहना चाहते हैं कि अगर किसी के बिगड़ने का या बर्बाद हो जाने का या उसकी शरारत का डर हो खौफ हो तो फिर उसको बाँधना क़ैद करना ये जायज़ है ठीक है मशाइ तो इसे भी मालूम हुआ कि अगर तलब इल्म के शरारत का डर हो या उसके बिगड़ जाने का डर हो तो उसको सजा दिया जा सकता कि नहीं सजा के तौर पर उसको कमरे में कैद कर देना या उसको खम्बे से बांध देना या इसी तरह से उसको सजा देना जायज़ है कि नहीं जायज़ है हाँ जायज़ है मतलब इस तरह से ना मारा जाए कि उसकी हड्डी टूट जाए या जिसम पर ज़ख्म पड़ जाए इसी तरह चेहरे पे ना मारा जाए जिस तरह से अल्लाह के रसूल ने मना किया इस तरह से नहीं होना चाहिए लेकिन तालीम के लिए उसको सज़ा देना इसी तरह से उसको बांध देना कैद कर देना ये जायज़ है ताकि वो उसके अंदर सुधार आ जाए और फिर वो सीधे रास्ते पर आ जाए उसके बाद बाब है बाब रबकी वहब फिल हरम हरम के अंदर क़ैद करने और बांधने का यानी हरम हरम मक्की जो है हरम में हदूद हरम के अंदर किसी को क़ैद किया जाए यानी वहाँ पर जेल खाना बनाया जाए जेल बना करके उस जेलखाने में किसी को क़ैद किया जाए या वहाँ पर किसी को हरम में किसी को बांध के रखा जाए इसका क्या हुक्म है इमाम बखार रहमतुल्लाह ने इसी मसले को बयान करने के लिए बाब कायम किया है और वो कि बाब क़ायम करके इमाम बुखारी यही बताना चाहते हैं कि हरम में किसी को क़ैद करना या हरम के अंदर जेल बनाना हदुद हरम में जेल बना करके उस जेल के अंदर किसी को कैद करना या किसी को बांधना हरम में ये जायज़ है ठीक है उसके बाद हाँ बताइए तो क्या मालूम है इस हद से कैसे क्यों कुछ जरूरी है हाँ कहाँ ये जरूरी है कि मतलब आदमी जुन भी ही होता है तो इस हदीस से तो भी मालूम इस हदीस से मालूम हुआ कि मस्जिद में किसी को कैद आगे जो बाब आ रहा है इसलिए यहाँ पर मैंने नहीं बयान किया वही हदीस इसी हदीस को इमाम बखार रम् इसके बाद वाले बाब में लाए इसके बाद वाले बाब में इमाम बखार रम्ला इसी हदीस को लाए हैं तो हरम में हरम के अंदर इसी तरह से जिस तरह से मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल वसलम ने उनको बाँधा तो इस तरह से किसी काफिर का मस्जिद में दाखिल होना या उसको ज़रूरत के वक्त बांधना क्या जायज़ है कोई हर्ज की बात नहीं है ये बाप जो आएगा यहाँ पर उस इस मसले को वाजह किया जाएगा इन आज आज दर से ही पढ़ाने देते हैं इन कल जो है इस बात को पूरा करेंगे इन ठीक है सलामकम